आपका स्वागत है हमारे इस अनदर वीडियो में। इस वीडियो में हम बात करेंगे क्लास 9th यूनिट 2 डेटा एंट्री एंड कीबोर्डिंग स्किल से रिलेटेड वो सारे टॉपिक जो आपके बुक में दिए हुए हैं। तो A to Z जो है हम पूरा जो है डिस्कस करेंगे, वो भी एनिमेशन के साथ। एक बार अगर आप इस वीडियो को देख लेते हैं तो एग्जाम में कोई भी क्वेश्चन आए आप आसानी से उसको सॉल्व कर पाएंगे, क्योंकि हमने इस वीडियो में जो है A to Z आपके कीबोर्डिंग स्किल यूनिट के सारे टॉपिक को कवर किया है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला हम देख लेते हैं यहाँ पे इंट्रोडक्शन। तो कंप्यूटर के उपयोग में जो है ऑपरेशनल स्किल को बढ़ाने के लिए इफिशेंट और इफेक्टिव कीबोर्डिंग स्किल और टाइपिंग इरोनॉमिक्स की बहुत ही ज्यादा जरूरत है। इसलिए जो है आपको क्या करना पड़ेगा, कंप्यूटर में लगातार जो है काम करना पड़ेगा, वो भी सिंसियरली और कंट्रोल इन्वायरमेंट के साथ, जिससे आप क्या हो पाए कीबोर्डिंग स्किल में जो है मास्टरी हासिल कर पाए। और हाई स्पीड प्राप्त करने के लिए आपको कंप्यूटर में डेटा को जो है क्विकली और एक्यूरेसी के साथ आपको क्या कर पाए, आसानी से डेटा को इंटर कर पाए। तो इस यूनिट में हम विभिन्न प्रकार के जो कीबोर्ड के की होते हैं, टाइपिंग इरोनॉमिक्स के बारे में, पोजिशन ऑफ फिंगर्स ऑन द कीबोर्ड, इसके अलावा जो है टच टाइपिंग मेथड और कीबोर्डिंग स्किल के बारे में सीखेंगे। और साथ ही साथ जो है कीबोर्डिंग सीखने से रिलेटेड जो है जितने भी टाइप के जो सॉफ्टवेयर आपको हेल्प करते हैं उसके बारे में जानेंगे। तो पहले हम देख लेते हैं कीबोर्डिंग स्किल। तो कीबोर्ड जो है कॉमन टेक्स्ट बेस्ड इनपुट डिवाइस है, जो इलेक्ट्रॉनिक जो है टाइपराइटर के समान होता है, जिसमें जनरली 100 से ज़्यादा कीज होते हैं। और कीबोर्ड के प्रत्येक की के लिए कोई ना कोई सिंबल जो है क्या किया गया है, डिफाइन किया गया है। कुछ ऐसे की भी होते हैं जहाँ पे जो है मल्टीपल सिंबल भी प्रोड्यूस किया जा सकता है। जैसे अगर हम कुछ सिंबल को हमको प्रोड्यूस करना है तो उसके लिए हमको शिफ्ट की का भी उपयोग करना पड़ता है। जैसे मैं अगर ए को सामान्य प्रेस करता हूँ तो स्मॉल ए आता है, वहीं शिफ्ट के साथ प्रेस करता हूँ तो कैपिटल ए आता है। कुछ ऐसे जो है कीज भी होते हैं जिसको हम अगर डिफरेंट जो है की के साथ प्रेस करते हैं तो कमांड की तरह भी काम करता है। जैसे मैं कंट्रोल ए करता हूँ तो सेलेक्ट ऑल हो जाता है, कंट्रोल सी प्रेस करता हूँ तो सी जो है वो कमांड के थ्रू जो है कॉपी का काम करता है। तो इस प्रकार से हम डिफरेंट कॉम्बिनेशन से भी अलग अलग कमांड को क्या कर सकते हैं, अप्लाई किया जा सकता है। तो टच टाइपिंग में की को खोजे बगैर हमको क्या करना है, बिना देखे हमको टाइपिंग करना होता है, उसी को हम टच टाइपिंग कहते हैं। टच टाइपिंग करते समय आपको की को खोजने की जरूरत नहीं होती है, उस समय आपको क्या करना पड़ता है, फिंगर ऑटोमेटिकली मूव होता है, जिससे और साथ ही साथ जो है हर एक फिंगर के लिए अलग अलग जो है की जो है डिफाइन किया गया है। तो होता क्या है, जब हम बार बार उपयोग करते हैं तो टच टाइपिंग के लिए हमारा जो मसल्स मेमोरी है वो की का जो है लोकेशन हमारे ब्रेन में बना देता है, जिससे ऑटोमेटिकली हमारे जो फिंगर है वो मूव होते हैं। तो ये तब हो पाएगा जब हम बार बार प्रैक्टिस करते हैं, तो प्रैक्टिस के द्वारा ही हम जो है टच टाइपिंग को आसानी से कर सकते हैं। तो टच टाइपिंग में अपने उंगलियों के बीच में जो रो है उसको स्टार्टिंग पोजीशन जो मिडिल रो होता है वहां पे रखना होता है, उस पर फिंगर को रखकर हम मूव करते हैं। साथ ही साथ इस बात का भी ध्यान रखना पड़ता है कि कितना हमको मूव करना है। जब आप टच टाइपिंग करते हो तो टाइपिंग करते समय आपको की को देखना नहीं रहता है। और जनरली क्या होता है, जब हम टाइपिंग करते हैं तो टाइपिंग करते समय हमको प्रैक्टिस करते समय कई सारे गलतियां भी होती है, तो उस समय हमको गलतियों पे ध्यान नहीं देना है। हमको क्या करना है, हमारे एक्यूरेसी को ठीक करने और स्पीड को लाने के लिए हमको क्या करना है, कीबोर्ड को नहीं देखना है। तो बार बार प्रैक्टिस जब हम करेंगे तो हमारा स्पीड जो है ऑटोमेटिकली बढ़ेगा और हमारा जो एक्यूरेसी है वो भी बढ़ते जाएगा। जनरली जो है 60 वर्ड पर मिनट जो है उसको एक अच्छा स्पीड माना जाता है, या उससे ज़्यादा को जो है अच्छा स्पीड माना जाता है। हर एक पर्सन का जो है अलग अलग स्पीड होता है। टच टाइपिंग सीखने के लिए हमारे पास आजकल जो है बहुत सारे वेबसाइट और सॉफ्टवेयर भी अवेलेबल है, जैसे रैपिड टाइपिंग ट्यूटर है, और इसके अलावा भी बहुत सारे सॉफ्टवेयर जिसके थ्रू हम जो है मुफ्त में क्या कर सकते हैं, उसको डाउनलोड कर सकते हैं और अपने स्पीड को, एक्यूरेसी को और एफिशिएंट बना सकते हैं। इसके साथ साथ जो है कीबोर्ड का उपयोग जो है गेमिंग के लिए किया जाता है। जो है गेमिंग के लिए जो है कुछ स्पेशल कीबोर्ड भी आते हैं, और हम जो है नॉर्मल कीबोर्ड का भी उपयोग वहाँ पर गेमिंग में कर सकते हैं। अगला टॉपिक दिया हुआ है टाइप्स ऑफ की। हालांकि कई प्रकार के इनपुट डिवाइसेस हैं, जैसे माउस है, टच स्क्रीन है, करेक्टर है, या वॉइस रिकॉग्नाइजेशन आदि बहुत सारे उपयोग किए जाते हैं, फिर भी कंप्यूटर में डेटा को इनपुट लेने के लिए जो है कीबोर्ड का उपयोग सबसे ज़्यादा जो है किया जाता है। कंप्यूटर में बहुत सारे की जो है वो अवेलेबल है, तो एक एक करके हम डिस्कस करते हैं। सबसे पहले आ जाते हैं अल्फा न्यूमेरिक की। तो अल्फा न्यूमेरिक की किसको बोला जाता है, जिसमें अल्फाबेट्स A to Z और न्यूमेरिक जो है 0 से 9 तक के की आते हैं।
तो ये वाले पोर्शन को क्या बोला जाता है, अल्फा न्यूमेरिक की बोला जाता है। जनरली जो है इस की का उपयोग सबसे ज्यादा टाइपिंग में किया जाता है। फिर इसके अलावा सेकंड दिया हुआ है पंचुएशन की। तो पंचुएशन की क्या होता है, तो कीबोर्ड में कुछ ऐसे की जो है स्पेशली जो है डिफाइन किया गया है, जैसे कॉमा हो गया, पीरियड्स हो गया, सेमी कॉलम्स हो गया, ब्रैकेट्स हो गया, पेरेंथिसिस हो गया। तो ये सारे जो सिंबल्स हैं ये क्या कहलाते हैं, हमारे जो है पंचुएशन की कहलाते हैं। इसके अलावा जो है कुछ मैथमेटिकल जो ऑपरेशनल सिंबल है, जैसे प्लस है, माइनस सिंबल है, इक्वल टू, ये भी पंचुएशन की के अंतर्गत आते हैं। फिर उसके बाद आ जाते हैं थर्ड जो है एल्ट की। तो एल्ट की को शॉर्ट में बोला जाता है अल्टरनेट। तो अल्टरनेट की जो है वो किसके तरह काम करता है, कंट्रोल की तरह काम करता है। जब हमारे कंट्रोल की के थ्रू जो है जितने भी शॉर्टकट की खत्म हो जाते हैं, तो कुछ शॉर्टकट की जो है एल्ट की के थ्रू भी उपयोग किया जाता है, इसलिए इसको अल्टरनेट की भी बोला जाता है। जब हमारा कंट्रोल की का उपयोग खत्म हो जाता है तो कुछ जो है कमांड जो है अल्ट की के थ्रू भी किया जाता है। नेक्स्ट हम आ जाते हैं फोर्थ जो है एरो की। तो एरो की क्या होते हैं, हमारे कीबोर्ड में जो है फोर एरो की दिए रहते हैं, जिसको उपयोग जो है हम जब टाइपिंग करते हैं तो उस समय हमको जो है अपने जो कर्सर के जो के पॉइंट जो रहता है उसको हमको अप डाउन राइट या लेफ्ट मूव करने के लिए जो है इसका उपयोग किया जाता है। तो फोर टाइप के जो है एरो की होते हैं, अप डाउन राइट एंड लेफ्ट। अगला की है शिफ्ट और एल्ट की। तो जब भी हमको क्या करना रहता है, कर्सर को जो है एक जगह से या एक समय में जो है मल्टीपल पोजीशन पे हमको मूव कराना रहता है, तो उस समय हम जो है शिफ्ट और एल्ट की का उपयोग करते हैं। फिर उसके बाद आ जाते हैं बैक स्पेस की। तो बैक स्पेस की का उपयोग जो है जिस पोजीशन में हम रहते हैं वहाँ के जो बैक साइड का जो डेटा रहता है वो डिलीट होता है। इस प्रकार से जो है कंटिन्यूसली अगर हमको डेटा जो है बैक साइड के डेटा को, लेफ्ट साइड के डेटा को डिलीट करना रहेगा, तो बैक स्पेस की का उपयोग करते हैं। नेक्स्ट कैप्स लॉक की। कैप्स लॉक की जो है टोंगल की तरह काम करता है। टोंगल की का मतलब होता है अपने जो बिहेवियर है उसको चेंज करके जो लोअर केस का जो करेक्टर है वो अपर केस में टाइप करने काम करता है, यानी बिहेवियर चेंज होने के कारण इसको टोंगल की भी बोला जाता है। नेक्स्ट कंट्रोल की। तो कंट्रोल की जिसको हम लोग शॉर्ट में CTRL की भी बोलते हैं, जिसका फुल फॉर्म कंट्रोल की होता है, तो कंट्रोल की जो है वो कंजक्शन की तरह काम करता है। इस की का उपयोग हम जो है डायरेक्टली केवल कंट्रोल की से कुछ भी यूज नहीं कर सकते, लेकिन जब कंट्रोल की के साथ अगर हम किसी और की को प्रेस करते हैं तो उसके थ्रू जो है डिफरेंट कमांड को हम अप्लाई कर सकते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे डिलीट की। जिस प्रकार से हम बैक स्पेस से लेफ्ट साइड के डेटा को डिलीट करते हैं, वैसे ही डिलीट की के थ्रू जो है हम राइट साइड के डेटा को डिलीट कर सकते हैं। साथ ही साथ अगर किसी ऑब्जेक्ट को हम सेलेक्ट करते हैं और डिलीट की को प्रेस करते हैं तो वहाँ वह डेटा जो है वो क्या हो जाता है, डिलीट हो जाता है। जैसे किसी ग्राफिकल एलिमेंट को सेलेक्ट किया और उसको डिलीट प्रेस करते हैं तो वो डिलीट हो जाता है। नेक्स्ट यहाँ पे हम देख लेते हैं इंटर की या रिटर्न की। तो इंटर की को ही रिटर्न की बोला जाता है, इसके लिए को इसलिए बोला जाता है जैसे हम इंटर प्रेस करते हैं तो हम जो है नए लाइन में के जो है फर्स्ट पोजिशन में क्या हो जाते हैं, मूव हो जाते हैं बिगिनिंग पोजिशन में, इसलिए इसको क्या बोला जाता है, इसको रिटर्न की भी बोला जाता है। नेक्स्ट यहाँ पे एस्केप की। तो एस्केप की का यूज़ जो है एक स्पेशल जो है कोड की तरह उपयोग किया जाता है, जो डिफरेंट प्रोग्राम में अलग अलग हो सकता है। जनरली जो है एस्केप की का उपयोग जो है किसी भी प्रोग्राम या टास्क से हम एग्जिट होने के लिए करते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे फंक्शन की। तो कीबोर्ड में टोटल F1 से लेकर F12 तक 12 फंक्शन की दिए रहते हैं, जिसका जो है अलग अलग यूज़ जो है प्रोग्राम के हिसाब से अलग अलग यूज़ हो सकता है। इसके अलावा भी कीबोर्ड के जो राइट साइड में यहाँ पे न्यूमेरिक कीपैड होता है, जिसका उपयोग तब कर पाते हैं जब यहाँ पे नॉम लॉक की को हम प्रेस करते हैं, तो इस न्यूमेरिक कीबोर्ड का उपयोग कर पाते हैं, जिसमें जनरली जो है 0 से 9 तक के जो है नंबर दिए रहते हैं। साथ ही साथ यहाँ पे प्लस माइनस और जो है स्टार और स्लैश का सिंबल दिया रहता है, जिसका में स्टार का उपयोग जो है मल्टीप्लाई और स्लैश का उपयोग डिविजन के लिए किया जाता है। साथ ही साथ इस कीबोर्ड में अगर हम नॉम लॉक को प्रेस नहीं करते हैं तो कई सारे एप्लीकेशन में हम यहाँ पे जो है इसको एरो की तरह भी काम कर सकते हैं, जिसमें आपको दिखाई दे रहा होगा कि 8, 2, 6 और 4 में जो है एरो की तरह हम यहाँ पे उपयोग कर सकते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे हम देख लेते हैं होम की। तो होम की एक्चुअल में जो है हमारे अल्फा न्यूमेरिक कीबोर्ड का ही एक पार्ट होता है। जब भी हम अपने फिंगर का पोजिशन जो है फर्स्ट टाइम रखते हैं तो हम क्या करते हैं, इसी होम की में ही अपना फिंगर का पोजिशन को हम क्या करते हैं, स्टार्टिंग पोजिशन होता है, यहीं से हम टाइपिंग स्टार्ट करते हैं। और जब भी रेस्ट करना रहता है तो हम इसी होम की में ही रख के हमारे फिंगर को रेस्ट करते हैं। तो हमारे लेफ्ट साइड के जो हैंड, लेफ्ट हैंड का जो फिंगर है उसके लिए ASDF जो है वो क्या होते हैं, होम की होता है। वहीं पे हमारे राइट हैंड के लिए जो है LKJ एंड सेमी कॉलम जो है वो क्या करता रहता है, होम की तरह काम करता है।
फिर उसी में हमारे होम की के अलावा जो है यहाँ पे गाइडेड की होता है। जब भी हम क्या करते हैं, क्योंकि हमको टाइपिंग करते समय हमको कीबोर्ड को नहीं देखना है, हमको क्या करना है, मॉनिटर को देखना है, तो ऐसे कंडीशन में हमारे कीबोर्ड को आइडेंटिफाई करने के लिए हमारे कीबोर्ड में जो है एफ और जे जो की रहते हैं उसमें एक छोटा सा नॉच बना रहता है जो हमारे फिंगर के थ्रू आइडेंटिफाई किया जाता है, जिससे पता चलता है कि ये जो एफ और जे है हमारे कीबोर्ड का जो है उसमें हमारे फिंगर का जो पोजीशन कहाँ पे रखना है उससे हम क्या कर पाते हैं, आइडेंटिफाई कर पाते हैं। तो ये एफ और जे में जो नॉच रहता है वही हमको क्या करता है, हमारे फिंगर को बार बार याद दिलाता है कि आपका फिंगर कहाँ पे होना चाहिए, होम रो में होना चाहिए। तो इस प्रकार से हमको होम रो में अपने फिंगर को रखने के लिए जो है गाइडेड की का उपयोग किया जाता है या गाइडेड की हमको हेल्प करता है। तो इस तरीके से हमने जो वो सारे की जो हमारे कीबोर्ड में अवेलेबल है उसके बारे में जान लिया। तो अभी के लिए बस इतना ही, आगे के जो बचे हुए जो पार्ट है उसको हम जो है नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे, क्योंकि हमारा ये वीडियो बनाने का मेन मकसद है कि आपको जो है आसानी से समझ आए और केवल हमको कम समय में ज़्यादा चीज़ों को जानना है। इसलिए हमने ट्राई किया है कि आपको ऐसा ना हो कि लेंदी हो, इसलिए हम इस जो पार्ट है उसमें केवल इतने ही पार्ट्स को ले रहे हैं। आगे आने वाले पार्ट में जो है हम पार्ट टू डिस्कस करेंगे, जिसमें आपका जो है कीबोर्ड और जो है माउस साथ ही साथ वो जो सारे सॉफ्टवेयर जो आपको टाइपिंग में यूज़ होते हैं उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो अभी के लिए बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, अपने दोस्तों को शेयर कर सकते हैं ताकि ऐसे इन्फॉर्मेशन उनको भी मिल पाए, और आने वाले वीडियो के लिए बने रहे हमारे चैनल पे। थैंक यू।